पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मंगलवार को वार्ड 3 मिलन विहार में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन नगर विधायक नीतीश गुप्ता ने फीता काटकर किया। चुनाव कार्यालय जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। उसके बाद नगर विधायक ने भारत माता की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया। शहर की गलियों में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। अब सभी पार्टियों के पदाधिकारी अपने उम्मीदवार के लिए भी जनसंपर्क कर रहे हैं, जिससे उनके हाथों को मजबूत किया जा सके। रितेश गुप्ता ने कहा कि पार्टी ने गीता शर्मा को अपना प्रत्याशी वार्ड 3 से घोषित किया है। निकाय चुनाव बिल्कुल भी आसान नहीं है। हम लोगों को चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सबको अपने साथ साधते हुए ही जीत हासिल की जा सकती है। इसके साथ ही बूथ स्तर पर सभी को सक्रिय रहना होगा और अधिक से अधिक वोट की पर्चियां लोगों तक पहुंचानी होगी, ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार फिर से एक बार बनाई जा सके। वार्ड 3 में भारतीय जनता पार्टी की पार्षद पद की प्रत्याशी गीता शर्मा के वार्ड का आज उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। और इस वार्ड के सभी लोग, सम्मानित बुजुर्ग लोग, महिलाएं, बच्चे, युवा साथी, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत हर्षोल्लास के साथ सब लोग गीता शर्मा जी के समर्थन में खड़े हैं और उनका चुनाव लड़ा रहे हैं। ये सीट मुरादाबाद में सबसे अधिक मतों से जीत के निगम में जाने वाली है। कोई चुनौती नहीं है, एकदम बढ़िया है। ना मेयर की सीट पर कोई चुनौती है, ना हमारे जो पार्षद खड़े हैं उनकी सीट पर कोई चुनौती है। अधिक से अधिक पार्षद इस बार चुन के पहुंचेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।